राधे। आज मैं आपको एक DIY करके दिखाऊंगी। आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। चलो स्टार्ट। आइसक्रीम का डिब्बा है, ये आइसक्रीम का बॉक्स है, डिब्बा है, ये मेरे पास पड़ा था फालतू, तो मैं इसी से करके दिखाऊंगी आज आपको। ये स्प्रे है, ये स्प्रे अमेजोन से भी मिलती है, आप कहेंगे तो मैं लिंक दे दूँगी इसका, और नहीं ये लोकल शॉप से भी मिल जाती हैं, तो मैंने ये मंगाई है। अब मेरे को तो इसको पहले अच्छे से हिला लेना है हमें, क्योंकि इसमें कलर होता है ना, वो जमच आता है, इसलिए अच्छे से हिलाना है। हिला के फिर इस तरीके से इसे जितना दूर से मार सके, दूर से लेना है। दूर से लेंगे ना तो इसकी शेप अच्छी आती है, अगर हम पास से करेंगे तो ये इकट्ठा हो जाएगा, तो ये अच्छा नहीं बनेगा। देखो इस तरीके से हमें दूर से मारना है, इस तरीके से, देखो इस तरीके से। ये मैं रेड रंग से कर रही हूँ, इस तरीके से। मैं वैसे ग्लव्स पहन के करा करूंगी, इस तरीके से। अभी होता है तब करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखो दोस्तों, एक बार ये कोट हो गया है, इस तरीके से लग रहा है। अभी ये सूखने के बाद मैं फिर आपसे बात करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये कलर बहुत हैवी है, इससे हाथ भी खराब हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आपके पास मिट्टी का तेल हो या जो पेंट वाले होते हैं ना, उन पे मिलता है तेल, तो उससे तुरंत साफ हो जाता है हाथ, तो वो जरूर रखें अपने पास, या तो ग्लव्स पहने। मैं वैसे ग्लव्स नहीं पहनती, मुझे कम आदत है, लेकिन ये सीधा आज मेरे सीधे हाथ पर ही गया, तो इसलिए, क्यों मुझे देखा नहीं था कि जरा स्प्रे, इसलिए तो मैंने पहन लिया ग्लव्स। तो आप ग्लव्स पहन के करें, और जमीन पे भी आप पेपर वगैरह कुछ बिछाए लें, नहीं बिछाओगे तो ये आपका फर्श वगैरह खराब हो जाएगा, और फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए पेपर बिछा लें। मैंने भी पेपर बिछाया हुआ है। अब देखो फिर दूर से मैं ऐसे ही करके दिखाती हूँ आपको। एक कोट और डाल लिया मैंने, एक पहले डाल दिया, एक से आइसक्रीम का डिब्बा दिख रहा था, इसलिए मुझे दूसरा कोट इस पर डालना। देखो दोस्तों ये पूरा हो गया। देखो दोस्तों ये पूरा हो गया। अब देखो मैंने पूरा कलर दो बार कोट कर दिया इस पर, अब नहीं दिख रहा ये। तो अब मैं इस पर अपने हाथों से, इस वाले कलर से, एक्रिलिक कलर है ये, इन वाले कलरों से, और मैं इस पर थोड़ी बहुत डिजाइन बनाऊंगी, तो अब आप देखना। दोस्तों ये सूखने के लिए मैंने छोड़ दिया है, अभी थोड़ी देर में ही सूख जाता है, स्प्रे कलर बहुत अच्छे हैं, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा तो मैं ये करके दिखाऊंगा आपको। इसको डेकोरेट कर रही हूँ इससे, इन कलरों से, इस तरीके से। आपको कुछ नहीं करना है, बस देखो डॉट लगा देना है फटाफट, ये देखो। तो आप ये बट यूज करें, ये बट बहुत आसान होती है, इससे जल्दी कर लेते हैं। देखो मेरे पास ब्रश भी है, पर ब्रश कम चला पाते हैं, ब्रश इतना अच्छा नहीं बैठता जितना इससे बैठता है, तो इसलिए बट से करें आप। बट से देखो कितना जल्दी बन जाता है हर कुछ, जो भी आपको बनाना है डिजाइन। देखो ऐसे रखते चले जाओ, ये पूरा मेरा हो गया ये, तो है ना। अभी मैं और मैं ये इस पर फूल बनाऊंगी बीच बीच में, इस तरीके से, देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से बनाने हैं हमें दूर 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 दूर। इस तरीके से, इस तरीके से, और इस तरीके से इसको हमें जोड़ देना है, ये बन गया। अब इसमें आप बीच में मैं जो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कुछ भी अभी बनाऊंगी मैं। ये देखो दोस्तों, ये इसमें मैं ग्रीन भर दूंगी इसमें, इस तरीके से, ये बहुत अच्छा है, फूल निकल के आएगा। अभी इसमें बीच में और रखूंगी मैं भी, तो हमारे फूल जैसे, हमें मेहनत भी नहीं करनी है ज़्यादा, सादा सिंपल भी है, बच्चा भी बना सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बीच में रखूंगी बस मैं, और मैं इसी से यहाँ पे कुछ नहीं करूँगी ज़्यादा, सिंपल सादा सिंपल रखूँगी ज़्यादा, ऐसे घास जैसा ऐसे घुमा घुमा के बस गोल 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 गोल, ऐसे ऐसे हमें लगे ये घास है, इस तरीके से बस, कुछ नहीं करना है हमें इस तरीके से। ये देखो दोस्तों, इसमें एक मुझे बस बीच में देखो बिल्कुल ये लगा देना है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है। अब कोई कह सकता है कि घर बनाया होगा, ऐसे लग रहा है कि जैसे हम बाजार से लाए हो, बाजार से लाएंगे दोस्तों। ये ही एक 200-300 रुपए से कम नहीं आएगा। ये क्या है, फालतू आइसक्रीम का डिब्बा पड़ा था मेरे पास,
ये कलर घर पे रहते ही हैं, ज़्यादातर बच्चे यूज करते हैं मेरे। और वैसे भी अगर ना हो घर पे तब भी हम मंगा सकते हैं। और देखो इसमें कुछ लगा मेरा, कुछ भी नहीं लगा इसमें इस तरीके से। अब इसे मैं थोड़ी एक पीले रंग की और डॉट डाल दूँगी बस इस तरीके से। देखो इस तरीके से ये देखो इतना मस्त लग रहा है दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे। शायद वीडियो में पता नहीं आ पा रहा नहीं इतना अच्छा से, पर इतना अच्छा लग रहा है कि जो भी देखेगा वो कहेगा कि हाँ कुछ बनाया है दोस्तों। और भी आपको कुछ करना है तो थोड़ा सा इधर यहाँ पे भी ये डॉट लगा दो बस, केवल सादा सिंपल, क्योंकि ज़्यादा फिर हो जाता है ना तो वो भी नहीं अच्छा लगता। सादा सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं आजकल, अच्छी भी लगती हैं घर में। देखो दोस्तों मेरा हो गया रेडी, देखो कितना प्यारा लग रहा है। देखो इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हो, आप किचन में कुछ सामान रखने के लिए जैसे पैचुला वगैरह है वो कॉर्नर में रख सकते, पैचुला वगैरह है वो कॉर्नर में रख सकते हो इस तरीके से। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये, तो उसमें रख सकते हो आप पेन ऑंडल वगैरह बच्चे रख सकते हैं उसमें अपनी डेस्क पे, या आप किसी भी चीज़ में यूज ले सकते हैं इस तरीके से। पेड़ लगा सकते हो, देखो ये भी मैंने DIY किया है। देखो ये कितना प्यारा लग रहा है, इधर ये घासी बना दी है मैंने। और ये देखो और कोई सादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा। देखो ये भी मैंने ये पेड़ों के लिए यूज किया है। अब देखती हूँ मैं किस में यूज करती हूँ, आप भी लोग बनाओ और उसी को आगे, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, और लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो, और देखिएगा आगे।